हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज जय। आज हम रिव्यू करेंगे यार MIT WPO का। देखो MIT WPO MIT पुणे के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था अब तक, ठीक है, लेकिन कुछ रिसेंट टाइम में इनका नाम चेंज किया गया है। आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। देखो अगर आप सोच रहे हो MIT WPO के बारे में MBO को लेकर कि यहाँ पे MBA करना सही रहेगा भी कि नहीं, क्योंकि पुणे में बहुत 10 बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं MBA के लिए, तो उनमें से ये MIT बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन इसमें भी कई सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आपको जानना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। तो मैं इस वीडियो में कॉलेज का ओवरव्यू के साथ साथ उन सारी चीज़ों को भी रिवील करूँगा आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का जानना, जैसे कि वर्स्ट थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, क्या क्या चीज़ें हैं वो जो वर्स्ट है एक्चुअल में, और बेस्ट थिंग है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा कि MIT WPO आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। सो आपके पास जो क्वेरी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आई कैन गारंटी इट। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू, उसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी टैकल करते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो एस्टैब्लिशमेंट इनका 1983 में हुआ था, काफ़ी पुराना है, और जैसे कि मैंने बोला MIT पुणे के नाम से जाना जाता था। एंड अप्रूवल इनको AICTE UGC से मिल चुका है। इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली प्राइवेट है। और चलिए अब बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। रैंकिंग देखो NRF का इनको मिला नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू MBA के लिए इनको 16 रैंकिंग मिल चुका है जो काफ़ी इंप्रेसिव है। कनेक्टिविटी का बात करें, पुणे एयरपोर्ट 15.6 किलोमीटर दूर है एंड कैब बस दोनों मिल जाता है आपको। पुणे रेलवे स्टेशन से 8.4 किलोमीटर दूर है ऑनली, जो काफ़ी नज़दीक है यूनिवर्सिटी के। एंड फीस का देख लेते हैं, MBA का फीस यहाँ पे 9 लाख है और हॉस्टल फी 1,75,000 अराउंड में आपका पड़ जाता है। और देखो इसमें कुछ कंडीशन है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 75,000 आपको देना पड़ेगा ट्विन शेयरिंग के लिए और 65,000 आपको देना पड़ेगा ट्रिपल शेयरिंग के लिए अगर आप यहाँ पे हॉस्टल में रहना चाहते हो। और जो रिमेनिंग फीस बचेगा हॉस्टल का वो आपको 90 डेज के अंदर में पे करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ओके चलो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, कैसा है स्कॉलरशिप। देखो काफ़ी ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं स्कॉलरशिप के बारे में, बस इतना बोलूंगा कि मैट कैट एक्सेलरेटेड सीमेट में एक ऑन एन एवरेज रैंक लाते हो तो अराउंड 4% तक आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाता है। डिटेल्ड स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हो तो मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप को लेकर यहाँ का। ओके मोड्स ऑफ एडमिशन का बात करूँ तो देखो UPSEE मैट कैट XET ATMA CMAT MSET ये सारे एक्सेप्ट करते हैं एंट्रांस। एंड अगर आपने एंट्रांस नहीं भी दिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम परसेंटेज ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए, इसकी बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे। ओके अब चलो बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। देखो प्लेसमेंट दो तरीके से मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, एक तो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, वेबसाइट के अकॉर्डिंग कि कैसा प्लेसमेंट है यहाँ पे, और एक होगा एज पर स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स से भी हमने कई सारे रिव्यूज़ लिए तो उनका भी एक कहना है कि प्लेसमेंट कैसा लगता है यहाँ पे, तो वो भी डिस्कस करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा इससे, ठीक है। तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट है वो है 5.92 LPA एंड हाईएस्ट यहाँ से अब तक लग चुका है 30 LPA। एंड रिक्रूटर्स का बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि कितने सारे कंपनीज विजिट किया है कैंपस को, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। ओके एंड एज पर कॉलेज स्टूडेंट बताऊँ तो देखो पहला तो हाईएस्ट इग्नोर ही करना चाहिए क्योंकि बहुत कम परसेंटेज बच्चों को हाईएस्ट प्लेसमेंट लगता है। तो ऑन एवरेज का बात करते हैं तो यहाँ पे 4.5 लाख से लेकर 5.3 लाख तक एवरेज प्लेसमेंट लग जाता है। अब हम बात करते हैं फैकल्टीज़ के बारे में, तो देखो फैकल्टीज़ यहाँ पे आपको हेल्पफुल मिलेंगे, नॉलेजेबल भी मिलेंगे, और जो फैकल्टीज आपको मिलेंगे उनका रिस्पेक्टिव फील्ड में काफ़ी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा परसेंटेज में रिसर्च में इन्वॉल्व रहते हैं, जो बहुत अमेजिंग फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का भी दिख जाएगा, जैसे AICTE IBM DBT UGC जैसे संस्थान में रिसर्च को लेकर इन्वॉल्व रहते हैं, तो आई थिंक बहुत हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें आपको। अब देखो नेक्स्ट हॉस्टल के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं बेस्ट थिंग अबाउट MIT WPO। सबसे पहला जो बेस्ट थिंग है, देखो द बिगेस्ट डॉर्म इन द वर्ल्ड, मतलब सरप्राइज मत होना, बट नॉर्मली आपको रिलीजियस प्लेसेस में ही देखने को मिलता है कि डोम बना हुआ है, बट लिटरली इन लोगों ने बिगेस्ट डोम बनाया इन द वर्ल्ड और रिकॉर्ड क्रिएट किया और उसका नाम रखा वर्ल्ड पीस डोम, इसीलिए MIT WPO हो गया, मतलब MIT पुणे से लेकर MIT WPO WPO वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, अमेजिंग है। एंड इनको जो डिज़ाइन किया गया ना, मतलब लिटरली अमेजिंग कैंपस है, आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको मैंने फैकल्टीज़ के बारे में बताई, फैकल्टीज सपोर्टिव है, नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस है, रिसर्च बेस्ड है, जो अमेजिंग है ही।
और प्लस कई सारे फेस्ट्स, इवेंट्स और कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया है। और कैंपस में थोड़ा सा आपको क्राउड देखने को मिलता है, जो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। एंड किसको MIT WPU ज्वाइन करना चाहिए, एक्चुअली पहला पॉइंट तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको डिसिप्लिन लाइफ पसंद है, यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिसिप्लिनड है जो आपको कम परसेंटेज में देखने को मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में डिसिप्लिन, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर फैसिलिटी बहुत ही मॉडर्न मिलेगा बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, जो वो भी एक पॉइंट है, वैलिड पॉइंट। और इस यूनिवर्सिटी के पास आप किसी भी MNC का नाम ले लो, बड़े से बड़े MNC सारे यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब आपको एक्सपोजर मिलेगा खतरनाक कंपनीज़ को लेकर। अगर आप चाहते हो कि बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको वो कंपनी यहाँ दिखेगा ज़रूर, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस लेवल का तैयारी करते भी हो कि नहीं। तो अपने आप को जितना इम्प्रूव करोगे उतना बेटर है इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाता है। सो ये था किसको ज्वाइन करना चाहिए। अब वर्स्ट थिंग बात करने से पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा हॉस्टल को लेकर। आप में से कई लोग होंगे जो हॉस्टल में रहना पसंद करेंगे, तो देखो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास आपको एमिनिटीज, सर्विसेज, फैसिलिटीज सारे मिल जाते हैं, एंड हेल्दी एंड डिलीशियस फूड मिल जाता है। 24/7 सिक्योर्ड कैंपस है, सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे बायोमेट्रिक इनेबल्ड एंट्रेंस है, जो मतलब अब बताओ सिक्योरिटी का क्या ही रखा है ख्याल इन लोगों ने। और 24/7 आपको इंटरनेट सर्विस मिलता है, जो बहुत हाईफाई होता है, मैं तो ये बोलूँगा। और हाउसकीपिंग फैसिलिटीज़ भी है, इनबिल्ट जिम है, गेमिंग एरिया है, हैंगआउट जोन्स है, रीडिंग रूम है, सो काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ है। और बाकी जो भी मैंने फैसिलिटीज़ डिस्कस यहाँ पर नहीं किया, आपको सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाते हैं सारे। एंड डाइनिंग फैसिलिटीज़ का बात करूँ तो देखो फूड फेस्टिवल्स यहाँ पे होते रहते हैं, और जो ओकेजनली जैसे दिवाली, होली, ईद में, सो वहाँ पे भी काफ़ी तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है खाने पीने को लेकर। और यहाँ हॉस्टल में आपको काफ़ी हेल्दी फूड मिल जाता है, जैसे बेसिक चीज़ें टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये था हॉस्टल एंड डाइनिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। अब चलो फटाफट बात करते हैं वर्स्ट थिंग। पहला चीज़ तो देखो कई सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन है कि यहाँ पे बोला कुछ जाता है और होता कुछ है। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि ऑल दोज प्रोमिसेस आर फेक, जो लोग बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मैनेजमेंट को लेकर जो बच्चे कंप्लेन करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट को हैंडल करना चाहिए। एंड और एक बच्चा जो कमेंट किया, स्टूडेंट ने जो बताया ये कि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है, तो इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा यार, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी मनी माइंडेड होता है, ठीक है, लेकिन आप उस जगह में भी रह के कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा है और आपको एक्सपोजर भी मिलता है सोशली भी और पढ़ाई को लेकर भी, तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में फोकस करना चाहिए इस पर। एंड फीस जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2.5 लाख पर ईयर बढ़ जाता है, सो ये भी चीज़ एक मानने वाली बात है कि फीस काफ़ी ज़्यादा बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में भर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ऐसा हो भी रहा है क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुका है। लेकिन इसमें यही चीज़ मैं बोलूँगा कि देखो जो पढ़ सकता है वो तो यहाँ पे पढ़ेगा, अब जो नहीं पढ़ सकता है, आपके लिए कई सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कम फीस में बेस्ट ROI देता है। यस, लिटरली कम फीस में बेस्ट ROI, कई सारे कॉलेजेस का आपको नाम बता दूंगा मैं। लेकिन तो देखो इसमें एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेरीज है, कोई परेशानी है कॉलेज को लेकर, करियर को लेकर, ऐसा कोई भी थॉट है, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे, व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ कांटेक्ट करो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और हाँ एक बात बता दूँ, अगर आप सीरियस हो तभी मैसेज करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, है ना, और बहुत सारे सिली क्वेश्चन पूछते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर आप जेन्युइनली क्वेश्चन पूछना चाहते हो अपने करियर को लेकर, कॉलेज को लेकर, तो ही मैसेज करना, ओके। सो एंड नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है वो है टीचर्स, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और क्या बोलूँ, एक स्टूडेंट ने बताया कि एक तरह का लॉर्ड है जिसका बातें आपको मानना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। तो कभी कभी ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट का ग्रोथ के लिए, लेकिन कभी कभी ये हैम्पर करता है मेंटली। सो आई थिंक अगर ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है तो मैनेजमेंट को इस पर काम करना चाहिए। सो यही था वर्स्ट थिंग अबाउट WPU। और एक क्वेश्चन है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ MBA को लेकर क्या सही रहेगा, जिनके पास NIRF रैंकिंग भी नहीं है।
तो इसके बारे में हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करें। इससे पहले देख लो कि यहाँ पे कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन कराया जाता है एमबीए में, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ये था स्पेशलाइजेशन। और डुअल स्पेशलाइजेशन का बात करो तो यहाँ पे देखो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, स्पोर्ट मैनेजमेंट में और इनोवेशन मैनेजमेंट में आप एमबीए में डुअल स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। और स्पोर्ट फैसिलिटी देखो सारे तरह का स्पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, सो आप पॉज करके भी देख सकते हो सारे स्पोर्ट फैसिलिटी। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बढ़िया है या बढ़िया होगा एमबीए के लिए जिसके पास एनआईएफ रैंकिंग भी नहीं है। तो इसका मैं सीधा सा आपको आंसर देता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से पा सकते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि आपको उस यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन देखना है ऑल ओवर इंडिया में कि कैसा रेपुटेशन है। दूसरा वहाँ का लोकेशन देखना है कि लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन बढ़िया जगह में होना चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, कंपनीज हो, ठीक है। एंड तीसरा आपका बजट क्या मैच करता है, अगर आपका बजट मैच करता है तो वो भी एक ऑप्शन है। तीसरा हो गया कि ROI कैसा है, अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया तो उसका ROI कम से कम 8 लाख से लेकर ज़्यादा तो होना चाहिए ना, 15 लाख 20 लाख तो होना चाहिए, मैं एवरेज मान ले रहा हूँ कि 8 लाख तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको देखना है और इस पर थोड़ा सा बैठ के रिसर्च करोगे क्योंकि रुपया लगाने वाले हो तो रिसर्च करना चाहिए आपको, है ना। तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो जो भी यूनिवर्सिटीज़ आप देख रहे हो एमबीए के लिए। ओके, तो यहीं तक था वीडियो। अगेन मैं बोलूँगा कि कोई क्वेरीज रह जाता है तो व्हाट्सअप करना, ठीक है, नॉर्मल क्वेरीज है तो कॉमेंट कर दो। एंड चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।